पंजाबी अकैडमी चैनल विच आप सब दा एक बार फिर तो स्वागत है। नवीं वीडियोस प्राप्त करन लई साडे चैनल नू सबसक्राइब करो ते नाल ही बैल आइकन दे बटन नू दबाओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करो। अज दा साडा टॉपिक है दसवीं क्लास की पुस्तक वनगी विचो इकांगी भाग विच इकांगी नायक जिस दे इकांगीकार हन गुरशरण सिंह। अज असी इस दे क्वेश्चन आंसर वार्तालाप संबंधी क्वेश्चन ते फिर असी वस्तु निष्पेषण करांगे। लेकिन सब तो पहला असी इस इकांगी दी सौखी एक्सप्लेनेशन करांगे। लेकिन उस तो पहला असी इकांगीकार बारे पढ़ांगे। इसकी इकांगी दे इकांगीकार हन गुरशरण सिंह। गुरशरण सिंह का जन्म 16 सितंबर 1928 ईस्वी को मुल्तान पाकिस्तान विच डॉक्टर ज्ञान सिंह अते माता श्रीमती करतार कौर दे घर होया। उन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर तो टैक्निकल कैमिस्ट्री विच एमएससी की। उन्होंने पंजाब संचाई विभाग विच 1951 तो 1981 ईस्वी तक बतौर रिसर्च अफसर काम किया। उन्हां दी मुख रचनावां बाबा बोलदा है, नवां जन्म ते होर नाटक, चांदनी चौंक तो सरहंद तक, घूमण घेरी, सीस तली ते अते तमक नगारे दी आदि हन। उन्हां नूं नाटक लिखण ते मंच लई भारत दी संगीत नाटक अकादमी वल्लों पुरस्कार नाल सम्मानित किया गया। इस तों बिना वख-वख संस्थावां वल्लों भी उन्हां दा राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते सन्मान होया। ओह पंजाब लोक सभ्याचार मंच दे बानी सन। अमृतसर नाटक कला दे केंद्र दे ओह बानी ते प्रधान सन। गुरबख्श सिंह दी पंजाबी सभ्याचार जगत विच एक पेशावर इनकलाबी ते रंगकर्मी वजों पछाण स्थापित हो चुकी है। इकांगी बारे सौखी एक्सप्लेनेशन। इस इकांगी विच लेखक गुरशरण सिंह ने नवीं ते पुरानी पीढ़ी विचकारली टक्कर नूं बड़े ही नवेकले ढंग नाल पेश कीता है। जिवें कि सदियां तो चलदा आ रहा है कि पिता ते पुत्तर दी पीढ़ी विच हमेशा ही तकरार रहा है। दोवें एक दूजे वल पिट्ठ करी खड़े हन। पहला सोचदा है ओह ठीक है ते दूजा सोचदा है कि नवीं पीढ़ी दा प्रतिनिध ठीक है। दोवें ही एक दूजे नूं समझण तों असमर्थ हन। इस इकांगी विच पुत्तर यह दसदा होया कि डाकखाने तों आया है, पुछदा है कि उन्हां उस नूं टिचकर नाल क्यों बुलाया। पिता कहिंदा है कि उस नूं घर विच इन्नी ही वी आज़ादी नहीं। पुत्तर उत्तर दिंदा है कि उस नूं टिचकर इस करके कर सकदे हन क्योंकि वह इन्ना पढ़न दे बावजूद घर बैठा है, पर इस विच उसदा कोई कसूर नहीं। पिता कहिंदा है कि उसका कसूर इस करके है क्योंकि वह मिल रही नौकरी नहीं लै रहा। पुत्र कहिंदा है कि उसने कमेटी घर विच कलर्की की नौकरी नहीं करनी। पिता कहिंदा है कि उसकी एमए उसकी पुरानी मैट्रिक के बराबर है। जेकर वह कलर्की कर सकता है तो वह क्यों नहीं कर सकता। पुत्र इस गल नाल सहमत नहीं हुंदा कि उसकी एमए पिता की पुरानी मैट्रिक के बराबर है ते वह कहिंदा है कि वह उसनू हर गल विच अपने बराबर ना खड़ा करे। पिता कहिंदा है कि वह इस गल नू बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कल का मुंडा अपने आप नू उस तो उच्चा समझे। पिता ते फिर पुछन ते वह कहिंदा है कि वह डाकखाने इस करके गया सी क्योंकि वह पिछले हफ्ते जिहड़े इंटरव्यू दे के आया सी उसनू उसके रिजल्ट की उड़ीक है। पिता कहिंदा है कि यह उड़ीक विच ओह बुढ़ा हो जाएगा, पर पुत्तर नू यह गल चंगी नहीं लगी। फिर वह पिता नू दसदा है कि कल नू ओह किसी कॉलेज विच लैक्चरर की पोस्ट ले इंटरव्यू देन जा रहा है। पिता उस तो कॉलेज का ना पुछदा है ता जो ओह किसी सिफारिश का प्रबंध कर सके, पर पुत्र कहिंदा है कि उसनू किसी सिफारिश की लोड़ नहीं क्योंकि वह अपने पैरों उत्ते खड़ा होना चाहता है। पिता कहिंदा है कि वह उसका दुश्मन नहीं, पर पुत्र कहिंदा है कि किसी किसी वेले वह उसनू अपना दुश्मन ही लगता है। फिर पिता कहिंदा है कि चलो इसे तरह ही ठीक है।
उसने उसके महीने का खर्च मेज उत्ते रख दिता। जे होर लोड़ होवे तां मंग लवे। पुत्र कहिंदा है कि इम्तिहान के नतीजे तो मगरों उसने उस तो जो पैसे ले हन उसनू वह करजा समझदा है ते वह उसनू सूद समेत वापस करना चाहेगा। पिता उसनू अजिहियां गल्लां करदे शर्म करन लई कहिंदा है, पर पुत्र कहिंदा है कि उसनू उदों शर्म आवेगी जदों वह उन्हां दे बुढ़े होण दी सूरत विच उन्हां लई कुछ ना कर सकिया। पिता कहिंदा है कि इसका मतलब है कि वह सिर्फ शर्म करके ही अपना फर्ज भुला देवेगा ते उसनू उस तों यही उम्मीद सी। पुत्र कहिंदा है कि उम्मीदां लाउणियां पुरानी पीढ़ी दी आदत है, उन्हां दी नहीं। इसे करके देश की आजादी तो उन्हें अपने राज की कायम मेहनत की लुट ना होने करके ते रोजगार प्राप्ति दे उम्मीदा लाइया सन, वो पूरिया नहीं हुई। उन्हां दे उल्ट वह उम्मीदा ते सिरते नहीं जिउंदे, सगों हर घड़ी जिउण लई संघर्ष करते हैं। तो वह कहिंदा है कि उसनू उन्हां वांग देश का नहीं सगों अपना फिक्र है, क्योंकि देश विच जिन्हां दा बनना सी उन्हां दा बनिया होया है। इस पिछों एक दफ्तर विच जिस उत्ते पिता कुर्सी उत्ते इंटरव्यू लैण लई बैठा है ते पुत्र डिग्रियां दा लफाफा लैके पेश हुंदा है। पिता उस दीयां डिग्रियां ते विद्यक प्राप्तियां नूं देख के कहिंदा है कि उसदे हिसाब नाल नौकरी उसनू मिलनी चाहीदी है। पुत्र कहिंदा है कि उसदा ख्याल है कि उन्हां कोल उस नालों चंगा होर कोई उम्मीदवार नहीं। इंटरव्यू लैण वाला पिता पुछदा है कि उस कोल सिफारिश है, तां पुत्र इनकार करदा कहिंदा है कि वह सिफारिश की वरतों करेगा भी नहीं। पिता कहिंदा है कि जेकर कोई अजिहा उम्मीदवार आ गया जिस दे नंबर भावें उस तो घट हन पर उसकी सिफारिश तकड़ी हुई तां उसका कम नहीं बनेगा। फिर पुत्र कहिंदा है कि यह गल उन्हां नूं नौकरी दे इश्तिहार विच दर्ज करनी चाहीदी सी। तां पिता कहिंदा है कि यह अमलां विच बराबरी दा ना होना उन्हां दी मजबूरी है। पुत्र कहिंदा है कि यह उन्हां दी मजबूरी नहीं सगों बेईमानी है। पिता फिर उसनूं कहिंदा है कि उसनूं बोलन दी तमीज़ नहीं। फिर पुत्र कहिंदा है कि वह एक पढ़े लिखे नौजवान नाल बदतमीजी नाल पेश आ रहे हन। पिता उसनू गुस्ताख कह के बाहर निकल जाने लई कहिंदा है। जदों वह नहीं निकलता तो मामला हथों पाई तक पुज जाता है ते एक दूजे वल घूरदे बाहर निकल जाते हैं। इस तरह दोनों दियां पीढ़ियां विच तकरार चलती रहती है। कुर्सी उपर बैठा पिता चाहता है कि जिंदगी एक चाल चलती रहे, स्थापित दस्तूर अगे झुकती रहे, पर सड़क उपर आए नूं इह मंजूर नहीं है। हुण पिता समझदा है कि उसका हक है कि वह पुत्र नूं समझावे, पर बालग मत पुत्र समझदा है कि जिंदगी नूं ओह वधेरे जानदा है। पिता उसनूं पुछदा है कि उसनूं कुर्सी उपर इंटरव्यू लै रहे व्यक्ति नाल झगड़ा करन दी की जरूरत सी। ता पुत्र कहिंदा है कि उसका की हक बनता सी कि वह उसके मूँह उत्ते कहे कि उसनू नौकरी नहीं मिल सकती। पिता कहिंदा कि उसनू अपनी कुर्सी बचाउण लई अजिहा करना पैना सी ते वह दसदा है कि योग उम्मीदवार दे ना चुने जाण विच समाज का कसूर है ते उसनू हर थां इसका विरोध नहीं करना चाहीदा। पुत्र दसदा है कि उसनू पता है कि उस व्यक्ति ने उस विरुद्ध पुलिस को रिपोर्ट लिखा दिती है कि उसने दफ्तर विच ड्यूटी दे रहे बंदे की बेइज्जती की है, पर मुकदमे ते जेल तो वह घबराउंदा नहीं। वह कहिंदा है कि उसनू जेकर पुत्र का ख्याल हुंदा तां उसनू कल्ली पढ़ाई कराउण दी थां वह लड़ाई लड़दा जिहड़ी उसनू हुण लड़नी पै रही है। जिहड़ी बुजदली उन्होंने उन्हां दी पीढ़ी ने विखाई है उसका नतीजा वह ते उसकी पीढ़ी भोग रहे हन, पर सब कुछ चुप करके बर्दाश्त नहीं करनगे। वह कहिंदा है कि बेशक उसका पिता भी एक जिम्मेवार कुर्सी उत्ते बैठता है, पर जेकर वह गलती करे तो उस वर्गा कोई नौजवान उसकी पग नूं हाथ पावे तो वह उसनू शाबाश देवेगा। पिता कहिंदा है कि जेकर वह इसे तरह राजी है तो ठीक है, पर वह थाने चले क्योंकि उसने उस व्यक्ति की रिपोर्ट ते करे आए थानेदार नूं कहा सी कि वह उसनू आप लैके थाने आवेगा।
हुण पिता जज की कुर्सी ते बैठा है ते पुत्तर दोषियां वांग खड़ा है। पिता दे पुछण ते पुत्तर कहता है कि उसने सरकारी वकील तो अपना दोष सुन लिया है। उसने अपने बचा लिए कुछ कहना ता है पर वकील नहीं करना क्योंकि वह उसनू झूठ बोलन लई कहेगा पर वह झूठ नहीं बोलेगा। वह कहता है कि इत्थे इंसाफ गवाहियां दे आधार ते हुंदा है। गवाहियां आम करके झूठियां ही हुंदियां हन ते उन्हां दे झूठ नू पवित्र बनाउण लई धर्म ग्रंथां नू वी लिया के कसम चुकाई जांदी है। इस तरह धर्म पुस्तकां झूठ नू पनाह देण लई वरतियां जांदियां हन। वह कहिंदा है कि झूठ बोलण लई पवित्र पुस्तकां नू वी नहीं लिआउणा चाहीदा ते वह कहिंदा है कि उन्हां दी पीढ़ी चाहुंदी है कि हर एक चीज़ नू सही परपेख विच देखिए। पिता वल्लों मुकदमे बारे पुछण ते इंटरव्यू वाली सारी घटना सुनाउंदा है। पिता कहिंदा है कि जेकर आदमी दी पग लै जावे ते मिट्टी विच रुल जावे तां उह उसदा कतल करन दे बराबर हुंदा है। पुत्तर कहिंदा है कि अजिहा सिर्फ अणख वाले बंदे दी सूरत विच हुंदा है। वह कहिंदा है कि समा आ गया है कि उस वर्गे जिहड़े कुर्सियां उत्ते बैठे हन वह कटहरे विच खड़े किते जान ते जिहड़े कटहरे विच खड़े हन उह उन्हां संबंधी अपना फैसला सुनाउण क्योंकि देश विच जिन्ने अपराध हो रहे हन उन्हां दे जिम्मेवार एक कुर्सी ते बैठे लोग ही हन। वह कहिंदा है कि उन्होंने उन्हां नूं उस दी इस स्थिति विच पहुँचा दिता है कि उन्हां कोल विद्रोह तो बिना कोई चारा नहीं। वह एक कवि की कविता का हवाला दे के कहिंदा है कि जेकर रुखां नूं लगातार छांगिया जावे तां उहदे वरियां विच उन्हां दी छां दी आस नहीं कीती जा सकती पर हौली हौली सुक के बालण बन जांदे हन ते उन्हां विच जिहड़ी अग हुंदी है उह बाहर वल भजदी है। पिता उसनू परी अदालत विच अपना कसूर मनन करके एक साल कैद की सज़ा सुनाउंदा है। हुण पिता पुत्तर नू जेल विच मिलन जांदा है। पुत्तर नू पिता कमजोर होया जापदा है। वह उसनू अपनी सेहत का ख्याल रखन लई कहिंदा है। पुत्तर दे पुछण ते पिता दसदा है कि उसने रिटायरमेंट लै लई है ते उह हुण किसे कुर्सी उत्ते नहीं बैठा होया सगों आजाद व्यक्ति है। हुण उन्हां दरम्यान कोई कुर्सी नहीं ना दफ्तर दे सुपरिटेंडेंट दी ते ना किसे इंटरव्यू लैण वाले व्यक्ति दी ते ना ही जज दी। पुत्तर कहिंदा है कि उसने हमेशा उसके अंदरले बाप दा सतिकार कीता है ते उसका संघर्ष केवल उन्हां दे उपरले खोल नाल सी। वह दसदा है कि इस तरह कई बारी उसने माता दे देहांत होण मगरों सौंदा नाटक करके उन्हां नूं अपने कमरे विच चुप चुपीते आ के अपनी छाती तो किताब चुक के सिर ते हाथ फेरदियां ते बत्ती बुझाउंदियां देखिया है। उस नूं भी उन्हां दी उड़ीक हुंदी सी क्योंकि ओही घड़ियां हुंदियां सन जदों उन्हां विच कोई दीवार नहीं सी हुंदी जिस तरह हुण मुलाकात समय नहीं। वह कहिंदा है कि वह थाने की जेल भेजन की जाती नूं उन्हां दा एहसान मनदा है क्योंकि उस लई जेल एक यूनिवर्सिटी है जिथे आके उसनूं एहसास होया है कि साडियां अखां हन पर असी वेखदे होए भी कुछ नहीं वेखदे। साडी जुबान है पर असी जो कुछ बोलना हुंदा है वह बोलदे नहीं। साडे पैर हन पर जिस दिशा विच असी जाना हुंदा है उधर असी तुरदे भी नहीं। इत्थे उसनू ये जानन दा मौका मिलिया कि समाज विच जो कुछ गलत है वह किस तरह बदलिया जा सकदा सी। वह कहिंदा है कि उसनू इंज लगदा है कि बाहर दियां सड़कां उसनू उड़ीक रहियां हन जिन्हां उत्ते तुरन लई धड़ते साबत सोच वाले सिर दी लोड़ है। पिता दे पुछण ते वह कहिंदा है कि पहला उसनू लगदा सी कि साबत सिर ही काफ़ी है पर हुण ओह जानदा है कि साबल सिर दे नाल सोचवान सिर दी भी लोड़ है। पिता कहिंदा है कि उसनू भी उसदी उड़ीक रहेगी। वह इसे तरह उसदे संघर्ष विच शामिल होवेगा जिस तरह हर बाप नू बेटे दे संघर्ष विच शामिल होना चाहिदा है। मुलाकात दा समा खत्म हो जांदा है। पुत्तर पिता दे पैरां वल झुकदा है ते पिता उसनू कलावे विच लैंदा है।
इस तरह एकांगीकार ने इस एकांगी विच नवी पीढ़ी नू पुरानी पीढ़ी दी मजबूरी दा एहसास हुंदा दिखाया है। इस गल नू महसूस करदियां दोवें पीढ़ियां एक दूजे दे नेड़े आउंदियां हन। इस प्रकार एकांगीकार ने दो पीढ़ियां विचली लकीर नू मिटाउण दा यतन कीता है। हुण एकांगी दे पात्रां दा पात्र चरित्रण। सब तो पहला पुत्र दा जान पछाण। पुत्र नायक एकांगी दा मुख पात्र है। उसका नाम सुखदेव सिंह है। उसने मैट्रिक जिले विच्चों बी ए कॉलेज विच्चों ते एम ए क्लास विच्चों फस्ट रह के पास कीती है ते हुण ओह नौकरी लभ रहा है। एकांगीकार ने एकांगी विच उसके पात्र नवी पीढ़ी दी पुरानी पीढ़ी नाल टक्कर पेश कीती है। नवी पीढ़ी दा प्रतिनिध पुत्र नवी पीढ़ी दा प्रतिनिध है। उसकी पुरानी पीढ़ी नाल पिता रूप विच अफसर दे रूप विच अते जज दे रूप विच टक्कर चलती है। वह एक दूजे दे विचारां नाल सहमत नहीं हुंदे। दलील नाल काटवीं गल करन वाला वह अपने पिता की हर गल नूं बड़ी दलील नाल कट्टण दा यतन करता है। हाजर जवाब वह बड़ा हाजिर जवाब है ते पिता की हर गल ते दलील दा बड़ी हाजिर जवाबी नाल उत्तर दिंदा है। भ्रिष्टाचार तो दूर रहन वाला पुत्र भ्रिष्टाचार तो दूर रहना चाहता है। वह अपने पिता नूं कहिंदा है कि वह नौकरी लैण लई सिफारिश नहीं पवाउणी चाहता ते कुर्सी उपर बैठ के सिफारिश बारे पुछ रहे अफसर नाल उह झगड़ पैंदा है। अपने पैरां उत्ते खड़ा होण दा चाहवन वह अपने पिता नूं कहिंदा है कि वह सिफारिश नाल नौकरी नहीं लैणा चाहुंदा सगों अपने पैरां उत्ते खड़ा होना चाहुंदा है। दलेर सच्चा ते खरी खरी गल कहन वाला वह बड़ा नीडर है। वह पिता अफसर ते जज नाल बड़ी नीडरता नाल बोलदा है। वह खरी खरी गल करदा है। वह बड़ा दलेर ते सच्चा इंसान है। सुहिरद वह एक सुहिरद इनकलाबी है। पिता नाल प्यार रखण वाला उसनू पिता दे अंदर वसदे पुत्र प्यार दा एहसास है। वह जेल विच मुलाकात लई गए पिता नू अपनी सेहत दा ख्याल रखण लई कहिंदा है। निराश ना होण वाला वह जिंदगी विच निराश नहीं हुंदा। वह जेल भेजण वाले पिता नू कहिंदा है कि वह उन्हां दा एहसानमंद है क्योंकि यह थां तां उस लई इक यूनिवर्सिटी है जिथे उसनू नवें विचारां दा एहसास होया है। सुलझिया होया पुत्र एक सुलझिया होया लड़का है। उसनू जेल विच जाके जिंदगी दे वर्तारे बारे काफ़ी अनुभव प्राप्त हुंदा है ते उसनू पता लगदा है कि समाज विच जो कुछ गलत है उसनू किवें बदलिया जा सकदा है। अगे दूसरा पात्र पिता दा पात्र चरित्रण जान पछाण। पिता नायक एकांगी दा महत्वपूर्ण पात्र है। एकांगी विच ओह तीन रूपां विच सामने आउंदा है। पिता दे रूप विच कुर्सी उत्ते बैठे अफसर दे रूप विच ते कचहरी दे जज दे रूप विच। वह पुराने समय दा मैट्रिक पास है। वह कमेटी घर विच सुपरिटेंडेंट हुंदा है ते उसकी पत्नी मर चुकी है। उसका एक पुत्र है जो कि एम ए पास है अते नौकरी की तलाश करता है। पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिध पिता पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिध है। इसलिए पुरानी पीढ़ी ते नवी पीढ़ी विचकार विरोध चलता है। देशभगति दे भाव रखण वाला वह देशभगति की भावना रखने वाला भी है। उसका विश्वास है कि जे देश का कुछ बनेगा तो ही लोगों का कुछ बनेगा। गल दे उल्टे मतलब कढ़न वाला वह पुत्र द्वारा उसकी बुढ़ापे विच सहायता ना करन नूं शर्म की गल समझन संबंधी कहे शब्दों के उल्टे अर्थ कढ़दा है। पुत्र प्यार नाल भरपूर पिता के रूप विच वह पुत्र प्यार नाल भरपूर है। वह उसकी माता दे देहांत मगरों रात नूं उसके सिर उपर प्यार नाल हाथ फेरदा हुंदा सी ते फिर मगरों वह नौकरी छड़ के जेल विच मिलन गया। पुत्र दे विचारां विच दिलचस्पी लैंदा होया उसके जेल तो बाहर आउण ते उसके नाल संघर्ष विच शामिल हो जाना चाहुंदा है। स्थिति अनुसार बदल जाण वाला जदों वह कमेटी घर विच सुपरिटेंडेंट सी तां वह नहीं सी चाहुंदा कि उसका पुत्र स्थापती दे उल्ट चले। वह उसनू अपने वांग ही चुप करके नौकरी करदा देखना चाहुंदा है। एक अफसर ते जज दे रूप विच ओह पुत्र दा कुछ सवारन दी थां विगाड़दा ही है पर नौकरी तो रिटायर होके आजाद होया ओह संघर्ष विच उसदा साथ देण दी तैयारी कर लैंदा है।
वार्तालाप संबंधी प्रेषण। नहीं, ये गल नहीं, मैं अपने पैरों ते खलोना चाहुंदा हाँ, पर तुसी मेरी ये गल नहीं समझोगे। प्रेषण, ये शब्द केड़ी एकांगी विचों हन? उत्तर, नायक। सैकेंड क्वेश्चन, एकांगी दे लेखक दा की नाम है? उत्तर, गुरशरण सिंह। तीसरा क्वेश्चन, ये शब्द किसने किसनू कहे? उत्तर, ये शब्द पुत्र ने पिता नू कहे। अगली वार्तालाप, मैं जज्बियां दी कदर करदा हाँ, नौजवानों विच एहो जा ही विश्वास होना चाहिदा है। प्रेषण, ये शब्द केड़े एकांगी विचों हन? उत्तर, नायक। सैकेंड क्वेश्चन, एकांगी दा लेखक कौन है? उत्तर, गुरशरण सिंह। तीसरा क्वेश्चन, ये शब्द किसने किसनू कहे? उत्तर, ये शब्द पिता ने पुत्र नू कहे। वार्तालाप दे क्वेश्चन तो बाद बेटा हुण वस्तुनिष्ठ प्रेषण। फर्स्ट क्वेश्चन, नायक एकांगी किसकी रचना है? उत्तर, गुरशरण सिंह दी। अगला क्वेश्चन, गुरशरण सिंह दी लिखी हुई एकांगी केड़ी है? उत्तर, नायक। अगला क्वेश्चन, गुरशरण सिंह दा जन्म कदों होया? उत्तर, 1928 ईस्वी विच। नैक्सट क्वेश्चन, बाबा बोलदा है, नवा जन्म ते होर नाटक, धमक नगारे दी पुस्तकां किसकी रचना हन? उत्तर, गुरशरण सिंह दी। अगला क्वेश्चन, एक नौजवान पुत्र इस किस एकांगी दा पात्र है? उत्तर, नायक। अगला क्वेश्चन, नायक एकांगी विच पिता किन्ने रूपां विच पेश हुंदा है? उत्तर, तीन। अगला क्वेश्चन, नायक एकांगी दे किन्ने पात्र हन? उत्तर, तीन। प्रेषण, पिता दा दूजा रूप केड़ा है? उत्तर, अफसर दा। पिता दा तीजा रूप केड़ा है? उत्तर, जज। अगला क्वेश्चन, सूत्रधार किस चीज़ की मांग करता है? उत्तर, नायकां दी। अगला क्वेश्चन, पुत्र कित्थों आया सी? उत्तर, डाकखाने तो। अगला क्वेश्चन, कि पुत्र सिफारिश के हक विच है या नहीं? उत्तर, नहीं। नैक्सट क्वेश्चन, पिता की पीढ़ी की की आदत सी? उत्तर, उम्मीदा लाउणिया। अगला क्वेश्चन, पुत्र की पीढ़ी नू जीवन लई की करना पैंदा है? उत्तर, संघर्ष। इस तरह मैं अखीर विच आस करदी हाँ कि तुहानू नायक एकांगी चंगी तरह समझ लग चुकी होवेगी। धन्यवाद।